छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव 7 मई को आठवीं चरण की वोटिंग के साथ समाप्त हो गया। वहीं अब सभी को चार जून मतगणना वाले दिन का इंतजार है, जिसके चलते जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग द्वारा सर्किट हाउस में एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित इस शिविर में तमाम अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी मतगणना स्थल के लिए लगाई गई, साथ ही उन्हें मतगणना स्थल के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इन अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए राज्य स्तरीय ट्रेनर छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं और इन अधिकारियों के लिए जिला प्रशासन द्वारा डमी मतदान केंद्र भी बनाया गया, जिससे कि उन्हें मतदान केंद्र और मतगणना स्थल की प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिल सके। जैसे सब आप लोग को विदित है, 4 जून को जो है मतगणना होनी है, तो मतगणना के पहले जितने भी अधिकारी कर्मचारी लगते हैं उनकी प्रशिक्षण होती है। तो ये राज्य स्तर के जो ट्रेनर आए हुए हैं उन लोग उनको सभी को प्रशिक्षण दे रहे हैं। आपको विदित होगी कि 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं रायपुर संसदीय क्षेत्र में, तो आज यहाँ पास में रायपुर जिले के पूरे अधिकारी कर्मचारी और बलौदाबाजार जिले के जो बलौदाबाजार फाटापारा विधानसभा है उसके अधिकारी और कर्मचारी यहाँ आए हुए हैं। ट्रेनिंग के हर एक पहलू को जो राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर हैं उन लोग बता रहे हैं। और जैसे मेरे पीछे में आप लोग देख रहे हैं डमी मतदान काउंटिंग हॉल भी बनाया हुआ है, जिसमें उन लोग बताया भी जाएगा कि काउंटिंग हॉल किस तरीके से होता है, वहाँ काउंटिंग